नमस्कार दोस्तों, अभी अभी राजस्थान के एक जिले को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान में दो सिर और चार आंखों वाला सांप मिला है, जिसे देखकर दोस्तों चारों ओर हड़कंप मच गया है। वहीं दोस्तों लोग इसे कलयुग का अवतार मान रहे हैं, जो कि दोस्तों शेषनाग का अवतार होता है। राजस्थान CISF कैंपस में दोस्तों दो मुंह और चार आंख वाला दुर्लभ सांप का वीडियो वायरल हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश हो चुकी है। मानसून में बिलों में बारिश का पानी भरने से सांप भी बिलों से बाहर आ गए हैं। टोंक जिले के देवली में दुर्लभ सांप देखने को मिला है, जिसके दो मुंह व चार आंखें हैं। दो मुंह व चार आंख वाला सांप लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी यह हैरान कर देने वाला मामला लगा है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में यह दोस्तों सांप है, फिर इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत में वन विभाग के सहायक वनपाल केदार नारायण शर्मा ने बताया कि यह दो मुंह वाले इस सांप की उम्र करीब 6 माह की है। इसके दो सिर व चार आंखें हैं। वन विभाग को टोंक जिले के देवली में CISF RTC कैंपस में स्थित बालाजी मंदिर के पास से सूचना मिली कि यहां पर लोगों ने अजीब सांप देखा है। सूचना पर स्नेक एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचे और दो मुंह दो सिर व चार आंख वाले सांप का रेस्क्यू कर लिया है। मीडिया से बातचीत में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लोकेंद्र चौधरी ने बताया कि यह सांप सेंड बोआ प्रजाति का है। इसकी लंबाई करीब 7 इंच है। इस तरह की प्रजाति के सांप बहुत ही दुर्लभ हैं। देवली क्षेत्र में पहली बार इस तरह का सांप देखा गया है। वहीं वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस दुर्लभ सांप को 2 दिन तक वन विभाग के कार्यालय में निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलेंगे, वहां पहुंचा दिया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में सांप की कई प्रजाति ऐसी हैं जो काफी कम नजर आती हैं। इनमें रॉयल स्नेक, रसल वाइपर, ट्रिकरेन स्नेक, कॉमन ब्लाइंड आदि दोस्तों शामिल हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।